आजकल की सबसे पहली मुश्किल यह है कि जब हम बातचीत के लिए इकट्ठा होते हैं तो जो जिंदा लोग आमने सामने हैं उनकी जितनी फिक्र नहीं की जाती है उतनी एक कैमरे के फ्रेम की फिक्र की जाती है। बातचीत करना कई वजहों से मुश्किल होता जा रहा है। एक वजह यह है कि बातचीत करने वाला जितना ख्याल इस बात का रखता है कि उसके सामने कुछ लोग हैं जिनसे उसको बात करनी है, उससे ज़्यादा उसको इस बात का एहसास होता है कि जो बातचीत वह कर रहा है वह इसके अलावा और भी कहीं के लिए है, और जो और भी कहीं के लिए है कई बार जोर उस पर ज़्यादा। कई बार हम कैमरे से बातचीत करते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो लोग सामने हैं वे उतना ज़रूरी नहीं हैं जितना वे लोग जो सामने नहीं हैं। इस फर्क को समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति आज की दुनिया में जब कोई भी बात कह रहा होता है तो वह उसका असर सिर्फ उतनी ही दूर तक नहीं देखता है जो भौतिक दूरी है, यानी हम और आप जितनी दूरी में, आप जिसको इंसानी दूरी कह सकते हैं, उस तक ही वह उसका असर नहीं देखना चाहता है। उन सारी दूरियों को पार करके उसका असर कहीं और पड़ेगा यह उसके दिमाग में हमेशा ही बना रहता है। इसलिए जब कोई बात यहाँ कही जा रही है तो उसका संदेश किशनगंज में पहुँचेगा या बारपेटा में पहुँचेगा या मेदिनीपुर में पहुँचेगा। बोलते समय ही इसका ख्याल रखना, इससे बोलने के तरीके में फ़र्क पड़ जाता है और मैं जो कह रहा हूँ उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। इस यह तकनीक की मुश्किल है, टेक्नोलॉजी की मुश्किल है जो हमारे सामने आ खड़ी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि हम खुद अपनी बातचीत को अब किस तरह समझने लगे हैं। लेकिन हमने जो विषय चुना, जब आज की इस गुफ्तगू के बारे में बात हो रही थी कि विषय कौन सा चुना जाए, और मैंने बहुत सोचा और मेरे दिमाग में यह विषय जो बहुत दिनों से कौन चल रहा था, मैंने सोचा कि इस पर कुछ बातचीत शुरू की जाए। इसलिए जो भी गुफ्तगू आज होगी वो सचमुच गुफ्तगू ही होगी, क्योंकि कुछ ख्यालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिनसे एक ख्याल जो मेरे दिमाग में जन्म ले रहा है उसको एक ठोस शक्ल दी जा सके बातचीत के ज़रिए और आगे ले जाया जा सके। कोशिश यह है, इसमें लफ्ज़ है, जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया हमने वह है लफाजी, और लफाजी में जो जिस शब्द से बन रहा है वह लफ्ज़ है, और इससे यह पता चलता है कि लफाजी के मायने आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम ऐसी बात कर रहे हों जिसमें लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हों और उसके मायने बहुत कम हों। अभी आपने कुछ दिन पहले एक शब्द सुना होगा जो इस देश के शासक दल के प्रमुख ने कहा। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था वह जुमलेबाजी थी। आपने उसको कुछ ज़्यादा गंभीरतापूर्वक ले लिया तो यह आपकी मुश्किल है या आपकी परेशानी है, हमारी नहीं, क्योंकि हम तो जुमलेबाजी कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात करता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है तो हम यह कहते हैं कि आप लफाजी कर रहे हैं, यानी आप एक बेमाना बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसके मानी नहीं है, आप लफाजी कर रहे हैं। लेकिन हम जो आज बातचीत करना चाह रहे हैं वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है या महदूद नहीं है। मेरे दिमाग में एक शब्द है जो जिसका हिंदी या उर्दू प्रतिरूप में बहुत दिनों से खोज रहा हूँ और उसके करीब जो प्रतिरूप पहुँचा है वह लफाज है, लेकिन मैं खुद आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप सुझाएं कि क्या हो सकता है। वह शब्द है डेमागॉग। डेमागॉग शब्द में डेमोस है जो आप जानते हैं जनता के लिए है, डेमोक्रेसी में भी जो डेमो है वही डेमागॉग में है, और डेमागॉग के बारे में सबसे पहले जो डेमागॉग का अर्थ हुआ करता था वह था
जनता का नेता, ऐसा व्यक्ति जो जनता को नेतृत्व दे सके, उसको आगे ले जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, इसके मानी बदलते चले गए, और डेमोगॉग का अब जो मतलब है, डेमोगॉग शब्द कहने से ही जो मतलब निकल कर आता है, डेमोगॉग एक ऐसा शख्स है, वह पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी, जो लोगों की भावनाओं को भड़का कर, उनके सोचने की ताकत को सुला कर, उनको एक ख़ास दिशा में जो तर्क पर आधारित नहीं है ले जाना चाहता हूँ। इसमें लफाजी शामिल है, लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ शामिल है वह यह कि वह आपकी भावनाओं को भड़का सके, और यानी आपके खून में तेज़ी ला सके और आपके सोचने की ताकत को सुला दे। अब अगर लफाज के इस मायने को हम मान लेते हैं, और लफाज को अगर हम डेमोगॉग का हिंदुस्तानी या हिंदी प्रतिरूप मान लेते हैं, तो फिर बातचीत आसान हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह मैं प्रस्तावित कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप हमें खुद सुझाएं कि और अच्छा शब्द उर्दू का या हिंदी का या कोई और शब्द क्या हमारे पास है जो डेमोगॉग को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। डेमोगॉग और डेमोक्रेसी दोनों में एक ही शब्द है जिससे ये दोनों शब्द बन रहे हैं, डेमोस है, जनता। इसके मानी ये हैं कि डेमोक्रेसी में या जमहूरियत में या जनतंत्र में डेमोगॉग्स के पैदा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिसे हम डेमोक्रेसी या जमहूरियत या जनतंत्र कहते हैं, इसका आधार क्या है? इसका आधार है बातचीत, इसका आधार है संवाद। क्योंकि जमहूरियत में, आम तौर पर जमहूरियत के जितने भी रूपों का प्रयोग हुआ है पूरी दुनिया में, उन जिन प्रयोगों में सबसे ज़्यादा सफल प्रयोग अब तक का रहा है संसदीय राजनीति का प्रयोग, संसदीय राजनीति जिसमें इस बात की संभावना रहती है कि एक से ज़्यादा राजनीतिक दल होंगे, और एक से ज़्यादा राजनीतिक दल अलग अलग विचारों के आधार पर बन सकते हैं, दूसरे आधार भी हो सकते हैं, यह हम और आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जनतंत्र में इस बात की गुंजाइश है कि मैं अपनी बात खुले तौर पर आपसे कर सकूं, और मैं ये उम्मीद करूं कि आप मेरी बात समझेंगे, और मैं ये कोशिश करूं कि आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश जनतंत्र में यह रहती है कि मैं बात के ज़रिए अपने इर्द गिर्द गोलबंदी करूं। अब बात कई आधार पर की जा सकती है, उसके आधार कई हो सकते हैं। एक विचार हो सकता है, मसलन कोई ये कह सकता है कि साहब अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना ये अच्छे अर्थतंत्र के लिए आवश्यक है, और कोई ये कह सकता है कि नहीं, कॉरपोरेट्स को टैक्स के बोझ से नहीं लादना चाहिए, उनको पूरी आज़ादी देनी चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। अब ये दो ख्याल हैं, अर्थतंत्र को चलाने के दो ख्याल हैं, और इसको लेकर गोलबंदी हो सकती है। एक हो सकता है जनता का बड़ा हिस्सा इस तरफ आ जाए और वो ये मानने लगे कि इसी से विकास संभव है, यानी कॉरपोरेट्स को पूरी छूट देने से। एक समय ऐसा आ सकता है जब जनता इस ख्याल के बिल्कुल उलट कुछ सोचने लगे और इस बात से सहमत हो जाए कि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाने और गरीबों पर कम टैक्स लगाने और गरीबों के लिए ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराने, जैसे नरेगा जैसी सुविधा हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसी सुविधा हो, या इस तरह की नेशनल अर्बन हेल्थ स्कीम हो, इस तरह की सुविधाएं एक अधिक बढ़िया राजनीति का आधार हो सकती है। तो आम तौर पर जिसको हम आदर्श बातचीत कहेंगे, वह आदर्श बातचीत ऐसी है जिसमें मैं आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर जा रहा हूँ और मैं आपको कह रहा हूँ कि साहब
ये मेरे सामने एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के आधार पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे हमें ताकत दीजिए, हमें राजनीतिक ताकत दीजिए, हमें सत्ता दीजिए, ताकि हम फिर समाज को एक दिशा में ले जा सकें। और आप ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल आदर्श स्थिति है। इस स्थिति में किस बात की मांग की जा रही है? इस स्थिति में मांग यह की जा रही है कि हम और आप मिलकर यह सोचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, यानी हम सबूत भी खोजेंगे, और सबूत हम इतिहास से भी खोजेंगे, हम दूसरे मुल्कों से भी खोजेंगे, हम दूसरे अर्थतंत्रों से भी खोजेंगे, और हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ कब कहाँ ज़्यादा कारगर होती है, और हम एक चुनाव करेंगे। इसका मतलब हम तर्क और सबूत के आधार पर अपने फैसले करेंगे। जिसको एक आदर्श जनतांत्रिक समाज कहते हैं, उस आदर्श जनतांत्रिक समाज में इस प्रकार के संवाद की कल्पना की जाती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे जावेद आलम ने कहा, हमारे प्रख्यात राजनीति शास्त्री ने अपनी किताब में, और दूसरे राजनीति शास्त्रियों ने भी कहा, कि जनतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुमत और अल्पमत स्थिर नहीं होता है। यानी आज जो बहुमत है कल वह अल्पमत में जा सकता है, और कल जो अल्पमत है आज वो बहुमत में जा सकता है। इसके मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि भारतवर्ष में बहुमत हिंदू नहीं है, या भारतवर्ष में अल्पमत मुसलमान नहीं है, या भारतवर्ष में अल्पमत ईसाई नहीं है, बल्कि बहुमत और अल्पमत दो विचारों पर बनेगा। एक विचार समाज में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो उसका विचार है, और उसके आधार पर बहुमत बन सकता है। उसमें हिंदू भी शामिल होंगे, उसमें मुसलमान भी शामिल होंगे, ईसाई भी शामिल होंगे, आदिवासी भी शामिल होंगे, और स्थितियों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर यह बहुमत बदल सकता है। कल जाकर हम कुछ और सोचने लग सकते हैं। जैसा मैंने कहा, यह आदर्श स्थिति है, या आदर्श स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे आपको मोटर गाड़ियों की कंपनियां यकीन दिलाना चाहती हैं कि आप हमारी गाड़ी खरीद लीजिए तो वो एक लीटर में 80 किलोमीटर चलेगी, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी तो साहब एक लीटर में 80 किलोमीटर क्या, वो तो 35 किलोमीटर भी नहीं चल रही है। और आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपने तो कहा था कि 80 किलोमीटर चलेगी, लेकिन ये तो 35 किलोमीटर चल रही है। तो फिर वो आपको बताते हैं आइडियल कंडीशंस में, यानी आप अगर दिल्ली में गाड़ी चलाएंगे तो आपने ये नहीं सोचा कितनी बार आप गियर बदल रहे हैं, कितनी बार आप ट्रैफिक जाम में पड़ रहे हैं। तो गाड़ी वाले कहेंगे, नहीं नहीं, हमने इन सड़कों की कल्पना नहीं की थी, हमने एक आदर्श आइडियल कंडीशंस की कल्पना की थी, उसमें जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको 80 किलोमीटर मिलेगा सर। अब यह अलग बात है कि आपको कभी भी वो आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगी, और आपकी गाड़ी कभी भी 80 किलोमीटर नहीं देगी, और आप हमेशा असंतोष में रहेंगे, आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि आपको ठग लिया गया है, और आप हमेशा एक ऐसी कंपनी की तलाश में रहेंगे जो जिस माइलेज का दावा कर रही है उस माइलेज के आसपास आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी। लेकिन यह धोखा है, हम और आप सारे लोग इस बात को जानते हैं, इस धोखे को जानते हुए हम इसे जीते हैं। उसी तरह जनतंत्र का जो वायदा है वो इस तरह के आदर्श स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया गया वायदा है। हमको मालूम है कि आदर्श स्थिति हमें कभी नहीं मिलने वाली है, हमें जाम मिलने वाला है, हमें सड़कें बहुत ख़राब मिलने वाली हैं, और उन सब से होते हुए जनतंत्र की यह गाड़ी आगे चलेगी। कलर को के अफसुर्दा जानो के नाम खुर्दा दिलों और जबानों के नाम पोस्ट मैनों के नाम ताने वालों के नाम रेलबानों के नाम कारखानों के भोले जी। आजकल की सबसे पहली मुश्किल यह है कि जब हम बातचीत के लिए इकट्ठा होते हैं तो जो ज़िंदा लोग आमने सामने हैं उनकी जितनी फिक्र नहीं की जाती है, उतनी एक कैमरे के फ्रेम की फिक्र की जाती है।
बातचीत करना कई वजहों से मुश्किल होता जा रहा है। एक वजह यह है कि बातचीत करने वाला जितना ख्याल इस बात का रखता है कि उसके सामने कुछ लोग हैं जिनसे उसको बात करनी है, उससे ज़्यादा उसको इस बात का एहसास होता है कि जो बातचीत वह कर रहा है वह इसके अलावा और भी कहीं के लिए है, और जो और भी कहीं के लिए है कई बार जोर उस पर ज़्यादा। कई बार हम कैमरे से बातचीत करते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो लोग सामने हैं वे उतना ज़रूरी नहीं हैं जितना वे लोग जो सामने नहीं हैं। इस फर्क को समझना बहुत आवश्यक है, इसलिए कि कोई भी व्यक्ति आज की दुनिया में जब कोई भी बात कह रहा होता है तो वह उसका असर सिर्फ उतनी ही दूर तक नहीं देखता है जो भौतिक दूरी है, यानी हम और आप जितनी दूरी में, आप जिसको इंसानी दूरी कह सकते हैं, उस तक ही वह उसका असर नहीं देखना चाहता है। उन सारी दूरियों को पार करके उसका असर कहीं और पड़ेगा यह उसके दिमाग में हमेशा ही बना रहता है। इसलिए जब कोई बात यहाँ कही जा रही है तो उसका संदेश किशनगंज में पहुँचेगा या बारपेटा में पहुँचेगा या मेदिनीपुर में पहुँचेगा। बोलते समय ही इसका ख्याल रखना, इससे बोलने के तरीके में फ़र्क पड़ जाता है और मैं जो कह रहा हूँ उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। इस यह तकनीक की मुश्किल है, टेक्नोलॉजी की मुश्किल है जो हमारे सामने आ खड़ी हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि हम खुद अपनी बातचीत को अब किस तरह समझने लगे हैं। लेकिन हमने जो विषय चुना, जब आज की इस गुफ्तगू के बारे में बात हो रही थी कि विषय कौन सकते हैं, दूसरे आधार भी हो सकते हैं, यह हम और आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जनतंत्र में इस बात की गुंजाइश है कि मैं अपनी बात खुले तौर पर आपसे कर सकूं और मैं ये उम्मीद करूं कि आप मेरी बात समझेंगे और मैं ये कोशिश करूं कि आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। तो मेरी पूरी कोशिश जनतंत्र में यह रहती है कि मैं बात के ज़रिए अपने इर्द गिर्द गोलबंदी करूं। अब बात कई आधार पर की जा सकती है, उसके आधार कई हो सकते हैं। एक विचार हो सकता है, मसलन कोई ये कह सकता है कि साहब अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाना ये अच्छे अर्थतंत्र के लिए आवश्यक है, और कोई ये कह सकता है कि नहीं, कॉरपोरेट्स को टैक्स के बोझ से नहीं लादना चाहिए, उनको पूरी आज़ादी देनी चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। अब ये दो ख्याल हैं, अर्थतंत्र को चलाने के दो ख्याल हैं और इसको लेकर गोलबंदी हो सकती है। एक हो सकता है जनता का बड़ा हिस्सा इस तरफ आ जाए और वो ये मानने लगे कि इसी से विकास संभव है, यानी कॉरपोरेट्स को पूरी छूट देने से। एक समय ऐसा आ सकता है जब जनता इस ख्याल के बिल्कुल उलट कुछ सोचने लगे और इस बात से सहमत हो जाए कि अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाने और गरीबों पर कम टैक्स लगाने और गरीबों के लिए ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराने, जैसे नरेगा जैसी सुविधा हो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसी सुविधा हो, या इस तरह की नेशनल अर्बन हेल्थ स्कीम हो, इस तरह की सुविधाएं एक अधिक बढ़िया राजनीति का आधार हो सकती है। तो आम तौर पर जिसको हम आदर्श बातचीत कहेंगे, वह आदर्श बातचीत ऐसी है जिसमें मैं आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर जा रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि साहब ये मेरे सामने एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के आधार पर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमें ताकत दीजिए, हमें राजनीतिक ताकत दीजिए, हमें सत्ता दीजिए, ताकि हम फिर समाज को एक दिशा में ले जा सकें, और आप ऐसा करते हैं। यह बिल्कुल आदर्श स्थिति है। इस स्थिति में किस बात की मांग की जा रही है? इस स्थिति में मांग यह की जा रही है
कि हम और आप मिलकर यह सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, यानी हम सबूत भी खोजेंगे और सबूत हम इतिहास से भी खोजेंगे, हम दूसरे मुल्कों से भी खोजेंगे, हम दूसरे अर्थतंत्रों से भी खोजेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ कब कहाँ ज़्यादा कारगर होती है और हम एक चुनाव करेंगे। इसका मतलब हम तर्क और सबूत के आधार पर अपने फैसले करेंगे। जिसको एक आदर्श जनतांत्रिक समाज कहते हैं, उस आदर्श जनतांत्रिक समाज में इस प्रकार के संवाद की कल्पना की जाती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे जावेद आलम ने कहा, हमारे प्रख्यात राजनीति शास्त्री ने अपने किताब में और दूसरे राजनीति शास्त्रियों ने भी कहा, कि जनतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुमत और अल्पमत स्थिर नहीं होता है, यानी आज जो बहुमत है कल वह अल्पमत में जा सकता है और कल जो अल्पमत है आज वो बहुमत में जा सकता है। इसके मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि भारतवर्ष में बहुमत हिंदू नहीं है, या भारतवर्ष में अल्पमत मुसलमान नहीं है, या भारतवर्ष में अल्पमत ईसाई नहीं है, बल्कि बहुमत और अल्पमत दो विचारों पर बनेगा। एक विचार समाज में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो उसका विचार है और उसके आधार पर बहुमत बन सकता है। उसमें हिंदू भी शामिल होंगे, उसमें मुसलमान भी शामिल होंगे, ईसाई भी शामिल होंगे, आदिवासी भी शामिल होंगे, और स्थितियों के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर यह बहुमत बदल सकता है। कल जाकर हम कुछ और सोचने लग सकते हैं। जैसा मैंने कहा, यह आदर्श स्थिति है, या आदर्श स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे आपको मोटर गाड़ियों की कंपनियां यकीन दिलाना चाहती हैं कि आप हमारी गाड़ी खरीद लीजिए तो वो एक लीटर में 80 किलोमीटर चलेगी, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी तो साहब एक लीटर में 80 किलोमीटर क्या, वो तो 35 किलोमीटर भी नहीं चल रही है। और आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपने तो कहा था कि 80 किलोमीटर चलेगी लेकिन ये तो 35 किलोमीटर चल रही है। तो फिर वो आपको बताते हैं आइडियल कंडीशंस में, यानी आप अगर दिल्ली में गाड़ी चलाएंगे तो आपने ये नहीं सोचा कितनी बार आप गियर बदल रहे हैं, कितनी बार आप कौन सा चुना जाए। और मैंने बहुत सोचा और मेरे दिमाग में यह विषय जो बहुत दिनों से कौन चल रहा था, मैंने सोचा कि इस पर कुछ बातचीत शुरू की जाए। इसलिए जो भी गुफ्तगू आज होगी वो सचमुच गुफ्तगू ही होगी, क्योंकि कुछ ख्यालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनसे एक ख्याल जो मेरे दिमाग में जन्म ले रहा है उसको एक ठोस शक्ल दी जा सके बातचीत के ज़रिए और आगे ले जाया जा सके। कोशिश यह है, इसमें लफ्ज़ है, जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया हमने वह है लफ्फाजी, और लफ्फाजी में जो जिस शब्द से बन रहा है वह लफ्ज़ है, और इससे ये पता चलता है कि लफ्फाजी के मायने आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम ऐसी बात कर रहे हों जिसमें लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हों और उसके मायने बहुत कम हों। अभी आपने कुछ दिन पहले एक शब्द सुना होगा जो इस देश के शासक दल के प्रमुख ने कहा। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ भी चुनाव प्रचार के दौरान कहा था वह जुमलेबाजी थी। आपने उसको कुछ ज़्यादा गंभीरतापूर्वक ले लिया तो यह आपकी मुश्किल है या आपकी परेशानी है, हमारी नहीं, क्योंकि हम तो जुमलेबाजी कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई ऐसी बात करता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है तो हम यह कहते हैं कि आप लफ्फाजी कर रहे हैं, यानी आप एक बेमाना बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसके मानी नहीं है, आप लफ्फाजी कर रहे हैं। लेकिन हम जो आज बातचीत करना चाह रहे हैं वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है या महदूद नहीं है। मेरे दिमाग में एक शब्द है जो जिसका हिंदी या उर्दू प्रतिरूप मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूँ और उसके करीब जो प्रतिरूप पहुँचा है वो लफ्फाज है, लेकिन मैं खुद आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप सुझाएं कि क्या हो सकता है। वह शब्द है डेमागॉग। डेमागॉग शब्द में डेमोस है, जो आप जानते हैं जनता के लिए है, डेमोक्रेसी में भी जो डेमो है वही डेमागॉग में है। और डेमागॉग के बारे में सबसे पहले जो डेमागॉग का अर्थ हुआ करता था वह था जनता का नेता, ऐसा व्यक्ति जो जनता को नेतृत्व दे सके, उसको आगे ले जा सके।
लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया इसके मानी बदलते चले गए और डेमोगॉग का अब जो मतलब है, डेमोगॉग शब्द कहने से ही जो मतलब निकल कर आता है, डेमोगॉग एक ऐसा शख्स है, वह पुरुष भी हो सकता है स्त्री भी, जो लोगों की भावनाओं को भड़का कर उनके सोचने की ताकत को सुलाकर उनको एक ख़ास दिशा में जो तर्क पर आधारित नहीं है ले जाना चाहता हो। इसमें लफाजी शामिल है लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ शामिल है वह यह कि वह आपकी भावनाओं को भड़का सके और यानी आपके खून में तेज़ी ला सके और आपके सोचने की ताकत को सुला दे। अब अगर लफाज के इस मायने को हम मान लेते हैं और लफाज को अगर हम डेमोगॉग का हिंदुस्तानी या हिंदी प्रतिरूप मान लेते हैं तो फिर बातचीत आसान हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह मैं प्रस्तावित कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमें खुद सुझाएं कि और अच्छा शब्द उर्दू का या हिंदी का या कोई और शब्द क्या हमारे पास है जो डेमोगॉग को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। डेमोगॉग और डेमोक्रेसी दोनों में एक ही शब्द है जिससे ये दोनों शब्द बन रहे हैं, डेमोस है जनता। इसके मानी ये हैं कि डेमोक्रेसी में या जमहूरियत में या जनतंत्र में डेमोगॉग्स के पैदा होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जिसे हम डेमोक्रेसी या जमहूरियत या जनतंत्र कहते हैं इसका आधार क्या है? इसका आधार है बातचीत, इसका आधार है संवाद। क्योंकि जमहूरियत में आम तौर पर जमहूरियत के जितने भी रूपों का प्रयोग हुआ है पूरी दुनिया में, उन जिन प्रयोगों में सबसे ज़्यादा सफल प्रयोग अब तक का रहा है संसदीय राजनीति का प्रयोग, संसदीय राजनीति जिसमें इस बात की संभावना रहती है कि एक से ज़्यादा राजनीतिक दल होंगे और एक से ज़्यादा राजनीतिक दल अलग अलग विचारों के आधार पर